श्रावण मास में भगवान शिव के गले की हार नाग देवता की आराधना का पर्व नागपंचमी पर शहर सहित समूचे अंचल में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। नागपंचमी पर भक्तों में गजब का उत्साह नजर आया। तो वही रिमझिम बारिश के बीच हर मंदिर में भक्तों की कतारें लगी। श्रद्धालुओं ने नागपंचमी पर दूध और पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं शहर के दामखेड़ा नागराज मंदिर DRP लाइन स्थित पंचमुखी नाग मंदिर सनावत रोड पर जिला अस्पताल के सामने स्थित बिलट देव मंदिर BTI मार्ग स्थित मोटा बिलट देव मोतीपुरा स्थित नागदेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से देर रात तक श्री नाग दरबारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए लगी रही। तो वहीं मंदिर समितियों द्वारा नागपंचमी को लेकर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई थी। शाम होते ही मंदिर रंगीन रोशनी से जगमगा उठे। तो वहीं दामखेड़ा में मेला लगा हुआ था। शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध दामखेड़ा मंदिर में रात 12 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। सुबह 5:30 बजे आरती के बाद बाबा का चोला चढ़ाया गया। तो ये ब्रह्म मुहूर्त से ही दर्शनार्थी श्रद्धालु की लंबी कतार लग गई, जो देर शाम तक लगी रही। यहाँ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तुलसी दामखेड़ा वाले बाबा की जय हो। हम दामखेड़ा समिति की ओर से नगर वासियों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामना देते हैं, मंगल बधाई देते हैं। नागपंचमी के पावन पर्व पर दामखेड़ा में करीब करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस उपलक्ष्य में दामखेड़ा मंदिर और मंदिर के आसपास भव्य सजावट की जाती है और 1 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें नगर के और नगर के आसपास के क्षेत्र के सभी लोग दर्शन करने आते हैं और मेले का उत्साह बनाने आते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के करीब करीब 2500 गांव के लोग बाग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। धार्मिक आयोजन है और जनमानस में एक ये उत्साह देखा बनता है कि आए और प्रभु के दरबार में आशीर्वाद ले और आगे के भविष्य को दिशा तय करे, और बाबा का आशीर्वाद सभा सभी को लिए बना रहता है। और उसकी वजह से आज दामखेड़ा जिले में ही नहीं, आसपास के अन्य जिलों में भी काफी प्रसिद्धि पा चुका है। मैं योगेश सराफ, दामखेड़ा समिति। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।